रूस और यूक्रेन के बीच चौथे हफ्ते भी लगातार जंग जारी है। कीव के बाद अब रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में भी जबरदस्त बमबारी की। जंग के बीच यूक्रेन का दावा, 7,000 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। मारियोपोल शहर में ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल पर रूसी सेना ने बनाया है निशाना। गिराए गए बम इन दोनों जगहों पर तकरीबन 1,000 से ज्यादा आम नागरिक हैं, इनमें से 80% बच्चे और महिलाएं थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन में उनका सैन्य विमान अभियान लगातार जारी है। यूक्रेन को रूस को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग बोर्ड नहीं बनने देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया वॉर क्रिमिनल इन्हें रूस को नागवार गुजरी है। बाइडेन की यह टिप्पणी रूस ने इसे अस्वीकार्य और माफ न करने लायक बताया है। उत्तरी जापान के फुकुशिमा तट पर शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही। भूकंप के चलते 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जापान में भूकंप इतना तेज था कि बुलेट ट्रेन भी पटरी से नीचे उतर गई। भूकंप के बाद तकरीबन 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। घरों में छा गया है अंधेरा। समुद्र से 60 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में होली की बहार। 800 अंकों की शानदार उछाल के साथ 57,600 के पार खुला सेंसेक्स। 227 अंकों की तेजी के साथ 17,200 के लेवल पर हुई निफ्टी की शुरुआत। टीम इंडिया ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का अहम योगदान रहा। जसप्रीत बुमराह आईसीसी की गेंदबाजी की टेस्ट रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर 4th पर पहुंच चुके हैं। बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 10 विकेट झटके थे।